अखिल भारतीय खेतों ग्रामीण मजदूर सभा के ग्राम के राज्यव्यापी प्रतिवाद दिवस के आह्वान पर भाकपा माले का प्रदर्शन। अखिल भारतीय खेत व ग्रामीण मजदूर सभा खेग्रामस के राज्यव्यापी प्रतिवाद दिवस के आह्वान पर भाकपा माले जिला कार्यालय कमलेश्वरी भवन से झंडा बैनर के साथ कार्यकर्ताओं का मार्च निकाला गया, जो समाहरणालय के उत्तरी द्वार पर सभा में परिणत हो गया। सभा की अध्यक्षता करते हुए खेग्रामस जिला सचिव सह राज्य उपाध्यक्ष चंद्रदेव वर्मा ने कहा कि दरभंगा में मनीगाछी की राजवाड़ा की दलित बस्ती की सामंती ताकत के दबाव में प्रशासन के द्वारा बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कराया गया। विरोध करने पर माले नेता पप्पू खान को गिरफ्तार कर जेल भेजा दिया गया। मटिहानी के गोदरगामा के भाजपा इस सामंती ताकत के दबाव में अंचलाधिकारी ने दलितों के पक्के घरों में बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया। बेगूसराय सदर के कुशमहोत में जमींदार के इशारे पर जमींदार के पक्ष में सड़क की जमीन अंचलाधिकारी ने पुलिस बल के साथ जोत दिया। तो अजोर में वर्षा पूर्व सरकारी जमीन पर बसे गरीबों को जमीन का पर्चा व पट्टा नहीं दिया गया, जिसके कारण घर के पीछे के दबंग भू स्वामी गरीबों को घर हटाने का दबाव दे रहे। वहीं वीरपुर के भवानंदपुर में सरकारी जमीन पर बसे दलित गरीबों को दबंग लोग अंचल प्रशासन से साठगांठ पर हटाने की कोशिश में लगा रहे। डंडोरी के बांक में गरीबों के घर को उजाड़ कर जला डाला गया था। जमीन को जमींदार निजी बनाकर रुपया भंजा रहे, इस पर रोक लगे। वहीं सभा को संबोधित करते हुए माले नेता नवल किशोर ने कहा कि सरकार जरूर महागठबंधन की बनी, लेकिन भाजपा इस सामंती ताकतों और प्रशासनिक गठजोड़ इस कदर बन चुका है कि सामंती ताकतों के दबाव में गरीबों के घर पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, इस पर रोक लगनी चाहिए। उन्होंने गरीब दलित का सर्वे कर नया वास आवास कानून बनाया जाए। सभा को माले नेता नूर आलम, मनरेगा राज्य पार्षद इंद्रदेव राम, माले नगर सचिव राजेश श्रीवास्तव ने संबोधित किया। कार्यक्रम में उपस्थित मौजूद राम कुमार, विजय कुमार, अरविंद साहनी, मोती तांती, जगन सदा, जय जय राम पासवान, उपेंद्र पासवान, बैजनाथ महतो, अर्जुन सदा शामिल थे। बीएनबी के लिए बेगूसराय से रिपोर्ट, दिनेश चौधरी। आज यह प्रदर्शन हमारा पूरे बिहार के हर एक जिले में आयोजित है, इस बात को लेकर के जो गरीबों के ऊपर ये जुल्म ढाया जा रहा है। प्रशासनिक ताकत जो है पूरे बिहार का सामंती ताकतों से के मेल जोल से वो गरीबों के घरों को उजाड़ रहा है, बुलडोजर से उनके घरों को ध्वस्त किया जा रहा है। उसी के विरोध में आज हम ये मांग कर रहे हैं जो गरीबों के घरों पर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई बंद हो और बगैर वैकल्पिक व्यवस्था के गरीबों को कहीं भी उजाड़ा नहीं जाए, और उसके साथ ही जितने भी गरीब हैं उनका सर्वेक्षण हो और सर्वेक्षण करके बिहार सरकार उसके लिए नई वास आवास कानून बनाए, यह हमारी मुख्य मांग है। और यहाँ जो सरकार बदली है उसके बावजूद भी बिहार की जो बिहार के प्रशासनिक मशीनरी जो है उस पर आज भाजपाई जो सामंती ताकत है उसी का बोलबाला है, तो उसके खिलाफ में हमारी ये लड़ाई है और हम ये लड़ेंगे। और साथ ही साथ हम सरकार से ये कहना चाहेंगे जो ये प्रशासनिक मशीनरी का जो ये मंशा हो गया है, जो उनका सांप्रदायिकरण हो गया है, इसमें बदलाव लाया जाए या नहीं तो जनता इसके खिलाफ में उबलेगी और इस प्रशासनिक मशीनरी और सामंती ताकतों का जो गठजोड़ है उसके खिलाफ में गरीबों की लड़ाई चलेगी। क्या नाम है? चंद्रदेव वर्मा, अखिल भारतीय खेत ग्रामीण मजदूर सभा के बेगूसराय के जिला सचिव और बिहार राज्य उपाध्यक्ष। में ये प्रदर्शन कर देखिए, बिहार की सरकार तो बदल गई लेकिन बिहार की जो प्रशासनिक मशीनरी है वो आज भी भाजपा के इशारे पर काम कर रही है। आपके बेगूसराय में, मटिहानी में जिस तरह से दलितों का घर बुलडोजर से भाजपा नेताओं के इशारे पर ढहा गया है, ये दिखाता है कि सरकार बदल गई, मंत्रिमंडल बदल गए, लेकिन जो मशीनरी है वो बीजेपी के इशारे पर, केंद्र सरकार के इशारे पर बिहार में काम कर रही है। साथियों, हम इस सभा के जरिए, इस मार्च के जरिए बिहार सरकार से मांग करते हैं कि नीतीश जी, आपने बिहार की गरीबों से वादा किया था कि हम 5 डिसमिल जमीन बांस के लिए और 1 एकड़ जमीन जोत के लिए देंगे, ये जमीन देने में अब आपको कोई बाधा नहीं है।
आपका हाथ बिहार में फ्री है और अपना आप वादा पूरा करें और पूरे बिहार में नए बास गीत कानून बना करके बिहार के जो गरीब लोग हैं जिनको बसने के लिए जमीन नहीं है उनको जमीन मिले, मकान मिले। हम इन्हीं बात को लेकर आज यह मार्च निकाले हैं नबर किशोर खेत ग्रामस बेगूसराय।